फसल। प्यारे बच्चों नमस्कार, मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों अभी तक हमने आपके वेक्टर के दो लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं। तो बच्चों आज आपका वेक्टर का लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर, जिसे आप कहते हो सदिशों का योग। ठीक है, तो बच्चों आज के लेक्चर की स्टार्टिंग हम करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर के साथ, जिसे आप क्या कहते हो सदिशों का योग। तो इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ, अर्थात सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। ठीक है, तो बच्चों इसमें क्या होगा, मान लीजिए आपके पास O कोई पॉइंट है और इससे एक वेक्टर यहाँ से जा रहा है जिसको मैंने नाम दे दिया A वेक्टर, और जहाँ पे आपका वेक्टर A एंड हुआ वहीं से मान लीजिए आपका एक अन्य वेक्टर स्टार्ट हो रहा है जिसको मैंने क्या नाम दे दिया बी वेक्टर। ठीक है, तो अब यदि मैं ओ को बी से डायरेक्टली ऐड करता हूँ और इसको मैं नाम दे दूँ सी वेक्टर, तो यहाँ पे सी वेक्टर क्या होगा, सी वेक्टर ये दर्शाएगा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को। बस समझ आइए नहीं, तो बेटा जो आपका ट्रायंगल लॉ है सदिशों के योग का, जो त्रिभुज नियम है एडिशन वेक्टर के अंदर, उसमें क्या होगा कि मान लीजिए आपके पास दो डिफरेंट वेक्टर है, उनका सम यानी जो एडिशन आप योग कब करोगे, जब एक का एंड पॉइंट इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो। ठीक है, अब यदि कोई बच्चा ये सोच रहे कि भाई ये ओ से ए आ रहा है और ये बी आ रहा है, तो यदि मैं और मान लो सी वेक्टर यहाँ निकाल दूँ, तो क्या आप इन सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सीधा लिख दोगे, तो बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, जहाँ पे एंड हुआ वहाँ से दूसरा स्टार्ट होना ज़रूरी है, उस कंडीशन में जो सी वेक्टर है वो आप क्या क्या दर्शाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इतनी बात समझ आई, ये है बेटा आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, कि दो वेक्टर का आप सम कब करोगे, ये तो है बेटा ट्रायंगल लॉ, लेकिन वेक्टर के फॉर्म में इनका एडिशन कैसे होगा या इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो आगे देखिए, तो इसके अंदर मान लीजिए बच्चों मेरे पास दो वेक्टर हो, पहले को मैंने नाम दे दिया एक्स वन आई कैप, वाई वन जे कैप, जेड वन के कैप, और बी वेक्टर है हमारे पास एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप। तो जो सी वेक्टर जो हम बोल रहे हैं अर्थात ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, इनका सम होगा एक्स कंपोनेंट का सम होगा एक्स वन प्लस एक्स टू आई कैप, वाई वन प्लस वाई टू जे कैप एंड जेड वन प्लस जेड टू के कैप। इतनी बात समझ आई। अब इसको यदि मालूम आपको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना चाहे, वे जो एडिशन ऑफ वेक्टर है उसको ज्योमेट्रिकली हम रिप्रेजेंट करें तो कैसे किया जा सकता है वो देखिए। तो वो एक बार बच्चों मैं आपको 2D प्लेन के अंदर बता रहा हूँ, सेम वही प्रोसेस हम 3D प्लेन के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले 2D प्लेन के अंदर देखिए इसको मैं एडिशन कैसे करूँगा। तो यहाँ देखिए आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए ये O पॉइंट हो गया, ये मेरे पास कोई P पॉइंट है, ठीक है कुछ ऐसा, जिसके कोऑर्डिनेट है मेरे पास एक्स वन वाई वन, और यहाँ पे मेरे पास ये पॉइंट है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ये आप ध्यान रखोगे तो इस तरीके से जो ये आपका, अगर ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है तो ये आपका क्या होगा सी वेक्टर, इस पॉइंट की जो पोजीशन होगी आपकी
लेकिन हाँ, अब कईयों के बच्चों माइंड में एक बात ये आएगी कि सर अगर मान लो इसके बच्चों जो मैंने पोजीशन ली है वो ओरिजिन के अकॉर्डिंग नहीं है। सबसे पहले अगर आप इसको ज्योमेट्री के लिए योग करना चाहते हो, इनका एडिशन करना चाहते हो, तो आपको ये बात बच्चों सबसे पहले माइंड में लानी होगी कि ये जो इसके कोऑर्डिनेट मैं ले रहा हूँ यहाँ पे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन में, वो ओरिजिन के अकॉर्डिंग नहीं है, वो पी के अकॉर्डिंग है। बात समझ आई कुछ जो मैं कहना चाह रहा हूँ? वो भी एडिशन जो आप कर रहे हो वो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन क्यों बताया, या इस जो मैंने रूल बताया था भी, मैंने ये कहा था भाई यदि ये ए वेक्टर ए पर समाप्त एंड हो और यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जाए, उस कंडीशन में मैंने इस वेक्टर को सी माना है। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट इसके मैंने डिनोट किए एक्स टू वाई टू, वो ओरिजिन की रिस्पेक्ट में नहीं है, बी के लिए ओरिजिन ये होगा। ठीक है, बस ये थोड़ा सा आपको डिफरेंस याद रखना है। ठीक है, यानी अब इसकी ये कंडीशन कुछ इस तरीके से ली गई है। ये मान लीजिए आपकी एक्स यहाँ आ गई है, ये अब ये कैसा है, क्योंकि हो सक 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा भाई एक्स को थोड़ा सा हम विस्थापित कर देते हैं, यानी ठीक है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओरिजिन उसके अंदर ही आता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो कंडीशन है, तो अब आपको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बतानी हो तो ये देखिए, ये इतनी डिस्टेंस एक्स वन है और ये इतनी डिस्टेंस एक्स टू है, तो इसकी टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एक्स वन प्लस एक्स टू होगी या नहीं होगी? हाँ या ना, जवाब दीजिए भाई। आप इसको समझने की कोशिश करो कि भी मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया P जिसको मैंने नाम दे दिया x1 y1, और P को एज ए ओरिजिन की तरह मैं बिहेव करें, यदि P को एक मूल बिंदु की तरह हम मानकर चलें, तो इसके ऊपर ये जो दो नई एक्सिस जाएगी इसके अकॉर्डिंग ये कंडीशन है, यानी P से इसकी ये डिस्टेंस एक्स टू है। हाँ, बस ये थोड़ा सा कंसेप्ट समझना जरूरी है कि यहाँ से डिस्टेंस एक्स टू नहीं है, ये डिस्टेंस एक्स टू है, तो टोटल ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसकी डिस्टेंस होगी ये। अब मान लीजिए ये इतनी y1 है और ये y2, तो टोटल हाइट क्या हो जाएगी y1 प्लस से y2। तो अब बताइए इसका ये रिप्रेजेंटेशन समझ आया ही नहीं है? तो इस कंडीशन में x1 प्लस x2 होगा, y1 प्लस y2 होगा, और z के केस में z1 प्लस z2 होगा। क्लियर हुई बच्चों ये बात? तो सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने पढ़ा आज एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर के अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ का जो मीनिंग है वो क्या है वो आपको समझाने के लिए मैंने इस चीज़ का यूज किया। भी ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि मान लीजिए ओ कोई आपके पास फिक्स्ड पॉइंट है, वहाँ से कोई वेक्टर स्टार्ट होकर ए तक गया, और जो अदर वेक्टर है दूसरा वेक्टर है वो ए से स्टार्ट होकर बी तक गया, यानी उसका स्टार्टिंग पॉइंट ओ नहीं होकर ए लिया है मैंने, तो ओ से डायरेक्ट अगर मैं बी तक जाऊंगा तो जो यदि मैं उसको सी वेक्टर डिनोट करता हूं तो सी वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अर्थात जो सी वेक्टर है, सी सदिश है, वो ए और बी के योग को करने पर, उनको एडिशन करने पर जो रिजल्ट आता है उसे दर्शाएगा। कार्टेशियन फॉर्म में यदि आपको लिखना हो तो हमने ऐसा लिखा, और सी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आ सकते सर एक्स वन प्लस एक्स टू क्यों किया, भी इनको इनमें ऐड क्यों नहीं किया, तो उसका रीजन आपके सामने है। इस तरीके से ही योग क्यों किया है, वो सारी बातें ज्योमेट्रिकली मैंने आपको बता दी है, क्योंकि यदि मान लीजिए ओ से स्टार्ट होकर पी तक गया और पी यदि उसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, तो ओ की जगह मैं पी ले रहा हूँ, यानी उसके जो कोऑर्डिनेट अर्थात जो इसके निर्देशांक है, इसकी स्थिति वो पी के सापेक्ष लिए मैंने, तो ये कोऑर्डिनेट ये होंगे, यानी पी के अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस एंड हाइट है, तो टोटल जो डिस्टेंस और हाइट आप देख सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम 3D स्पेस के अंदर भी इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बताइए बच्चों इतनी बात समझ आई या नहीं आई? फिर ट्रायंगल लॉ क्या होता है, ऐसा लिखा तो उसका रीजन क्या है, वो आपको मैंने ज्योमेट्रिकली बता दिए, दो वेक्टर हो तो उनका एडिशन आपको ऐसे करना है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, तो वो देखिए, समझ आ गया होगा बच्चों ये? अब आगे देखिए, अब इससे रिलेटेड ही बातें हैं हमारी आगे की, तो फिर आता है आ
अर्थात समांतर वियोग का नियम यानी समांतर चतुर्भुज के भुजांगों से। अब देखिए आगे, मान लीजिए बच्चों ये आपके पास कोई पैरेललोग्राम है अर्थात कोई समांतर चतुर्भुज है जिसकी ये साइड ए और ये साइड बी। अब आप सब जानते हो कि जो समांतर चतुर्भुज होता है यानी जो पैरेललोग्राम होता है उसकी जो अपोजिट साइड यानी आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती है, अर्थात इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड वो इक्वल होगा परिमाण और डायरेक्शन भी सेम है। तो अगर ये दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है डायरेक्शन सेम है तो वेक्टर भी इक्वल हुए या नहीं हुए तो ये भी क्या होगा ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा और ये आपके सेम डी ए प्रोसेस बी। अब मान लीजिए जो ए सी वेक्टर है वो आपके सी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फर्स्ट मैं ट्राइंगल लेता हूँ ए बी सी, उसमें अगर मैं ट्राइंगल लगाऊँ तो ए वेक्टर आप बी वेक्टर देख सकते हो तो जो सी वेक्टर है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा ए प्लस बी वेक्टर को। इन ट्राइंगल ए डी सी जो सी वेक्टर है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बी प्लस ए वेक्टर को। अब क्यों करेगा उसका रीजन आप देख लो कि ए से स्टार्ट होकर हम बी तक गए डी से स्टार्ट होकर ए तक आए तो जो सी वेक्टर है वो क्या होगा बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। अब इस रूल का यूज क्या है भी बात तो एक ही है भी वेक्टर का एडिशन या वेक्टर सदिशों का योग ही है हाँ, लेकिन इससे डिफरेंस क्या हुआ वो देखो। एक बात देखो दोनों कंडीशन में जो ए सी वेक्टर है यानी जो सी वेक्टर है वो एक ही है या नहीं है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर दोनों एक ही वैल्यू दे रहे हैं तो यहाँ से एक रिजल्ट बन जाता है जो एडिशन ऑफ वेक्टर है वो कम्यूटेटिव होता है अर्थात क्रम विनिमय होता है। अर्थात ये लिखा जा सकता है अगर मान लीजिए दो वेक्टर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर तो इसको क्या लिखा जा सकता है इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर की फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। तो देखिए बच्चों उस बात समझ आई या नहीं आई, बहुत इजी है या नहीं है, यानी जो वेक्टर का एडिशन है वो कम्यूटेटिव लोगों क्या करता है फॉलो करता है यानी कम्यूटेटिव होता है अर्थात क्रम विनिमय होता है। यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, क्यों लिख सकते हो उसका रीजन आपके सामने है। अर्थात जैसे ऐड करने के लिए अब सिंपल सा एग्जांपल हम ये ले लेते हैं एक्स वन आई सॉरी जेड वेक्टर यानी ए वेक्टर लिखते हैं वाई वन जे b वेक्टर को यदि मान लो मैंने लिख लिया x2i टू आई प्लस ए वाई टू जे तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्या होगा x1 वन प्लस एक्स टू आई के वाई वन प्लस ए। अब बच्चों एक बात समझो आपकी भी x1 वन एक्स टू वाई वन वाई टू है तो रियल नंबर, तो अब मान लीजिए इसको यदि मैं ऐसे लिख दूं तो कोई इफेक्ट होगा क्या ये है तो ये रियल नंबर ही तो ऐसा लिखा जा सकता है। अब इनको अलग अलग कर दो ये क्या हो जाएगा एक्स टू आई प्लस एक्स वन आई वाई टू आई प्लस वाई वन सॉरी वाई टू जे वाई वन जे तो इसको अलग अलग कह के ढंग से लिख दो एक्स टू आई प्लस वाई टू जे प्लस हो जाएगा एक्स वन आई प्लस वाई वन जे तो ये क्या हो जाएगा बी वेक्टर प्लस से ऐसे भी प्रूव किया जा सकता है। कोई कैसा इनको आगे पीछे करने में देखो हमने वेक्टर के बारे में ये पढ़ा वेक्टर को आगे पीछे नहीं किया जा सकता लेकिन ये तो रियल नंबर है रियल नंबर को तो हम ऑर्डर चेंज कर ही सकते हैं वो तो क्रम विनिमय होता ही है कम्यूटेटिव होता ही है। तो बच्चों प्रॉपर्टी मान सकते हो प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन यानी सदिशों के योग के जो गुणधर्म है उनमें सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है आपकी कि जो सदिशों का योग है वो क्रम विनिमयता को यानी क्रम्यूटेटिविटी को फॉलो करता है अर्थात उसका पालन करता है। तो बताइए बच्चों जो समांतर चतुर्भुज के योग का नियम है पैरेललोग्राम जो है आपका वो ज्योमेट्रिकली ये बात और इसका यूज क्या है वो
इस तरीके से कैसे कार्टेशियन फॉर्म में, सारी बातें समझ आई या नहीं आई? आराम से देखिए इसको, एक एक बात को दिमाग में बैठाइए, क्योंकि जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो बच्चों यदि मान के चलो आपका ये बेसिक कंसेप्ट जो भी सम क्लियर हो जाता है, एक एक बात आपके समझ आ जाती है, तो इसके क्वेश्चन में फिर आपको कभी कोई तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी जो आपके 7 मार्क्स का ये चैप्टर है ना, वो ये मान के चलो कि आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा, एकदम ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके हम सेकेंड प्रॉपर्टी पर आते हैं। इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। इसको आप क्या कहते हो? साहचर्यता। इसमें क्या होगा, मान लीजिए आपके पास 3 अलग अलग तरीके के वेक्टर हैं, सदिश हैं, तो आप इनको ऐसे कर सकते हो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को पहले ऐड करो फिर सी वेक्टर, या ए वेक्टर को बाद में बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर। आई बात समझ में? तो ये आप रूल याद रख लोगे कि जो सदिशों का योग है वो साहचर्यता का पालन करता है। कैसे? कि ए वेक्टर पहले बी वेक्टर, इन दोनों को पहले ऐड कर लो फिर सी को ऐड करो, या पहले बी और सी को ऐड करके फिर उसमें ए को ऐड करो, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इस रूल को आप इस तरीके से प्रूव कर सकते हो। कैसे? यदि मान लो सी को मैं x3 y3 z3 मान लूँ, तो सिंपल सी बात है कि आप अगर रियल नंबर हो, जैसे 3 रियल नंबर है आपके पास 2 3 और 4, तो 2 + 3 + 4 कर लो, या 2 + 3 + 4 कर लो, तो 5 + 4 9, 2 + 7 भी 9, यानी दोनों केस में जो आंसर है वो आपका सेम ही रहने वाला है। यानी आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, आंसर अलग नहीं होगा। तो जब रियल नंबर लेकर इनको हम इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, तो बच्चों ये रूल भी फिर सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो थर्ड रूल है वो देखिए, वो होगा आइडेंटिटी, अर्थात तत्समक। एडिशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? तो वो होगा आपका, जैसे आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ए का आइडेंटिटी एलिमेंट, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं पी वेक्टर से डिनोट कर रहा हूँ तत्समक, तो यदि मान लीजिए आपको वो ए वेक्टर ही दे, ए वेक्टर में कोई अदर वेक्टर ऐड करो आप और वेक्टर पे कोई इफेक्ट ना हो, वही वेक्टर रहे, उस केस में ये उसका क्या बोला जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट अर्थात तत्समक बोला जाएगा। और इस कंडीशन में पी वेक्टर क्या होगा? 0 0। अब एक चीज़ है बच्चों, बात है बच्चों, जो आपको स्पेशली याद रखना है, 0 वेक्टर को आप डायरेक्टली अगर 0 लिख देते हो तो ये सबसे बड़ी गलती है। इसके ऊपर वेक्टर साइन लगाना कंपलसरी है। 0 वेक्टर का मतलब ये हो गया 0 i कैप, 0 j कैप, 0 k कैप, वो आपके 0 वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ओनली 0 एक रियल नंबर को डिनोट कर रहा है, नंबर नहीं पढ़ रहे हम, पढ़ रहे हैं वेक्टर। तो याद रखना 0 डायरेक्टली लिखने के बजाय दो केस है, या तो इसको थोड़ा डार्क लिख दो। हाँ, कई बार क्या होता है बच्चों कि यदि मैं डायरेक्टली 0 इसको थोड़ा सा यदि मैं डार्क लिख देता हूँ तो वो वेक्टर को डिनोट करेगा, और यदि आपको डार्क लिखने में प्रॉब्लम आए तो उसके ऊपर वेक्टर साइन जरूर लगाओगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अगर मान लो 0 आंसर आ रहा है, तो उसको 0 सीधा नहीं लिखा जाएगा, 0 वेक्टर लिखा जाएगा, 0 को डार्क लिखा जाएगा। तो आज अभी तक हमने पढ़ा है कि एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, वेक्टर का एडिशन करना कैसे है वो पढ़ा है। इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि जो ट्रायंगल ला और पैरेललोग्राम ला के, इसके बाद हमने देखे इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी कितने तरीके की प्रॉपर्टीज होती है, 3 तरीके की प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी लो, फिर क्या है एसोसिएटिविटी, एंड थर्ड क्या है इसका आइडेंटिटी एलिमेंट। इतनी बात बच्चों बताइए समझ आई या नहीं? ठीक है, कोई डाउट है तो बच्चों पूछ सकते हो। ठीक है, तो यदि आपको एडिशन ऑफ वेक्टर समझ आ गया तो अब हम बढ़ते हैं आगे। हमारा बच्चों जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। छोटा सा टॉपिक है, कई बार बच्चों इससे रिलेटेड 1 मार्क का यानी 1 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपके 12th RBCE हो उसके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है। सिंपल सा टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, अर्थात सदिशों के घटक। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कितने होते हैं।
ये दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है वेक्टर कंपोनेंट, एक होता है आपका स्केलर कंपोनेंट। कितने तरीके कंपोनेंट होते हैं? दो। इसको बोलते हो आप सदिश घटक, इसको आप क्या बोलते हो? अदिश घटक। अब बात आती है कि सदिश घटक क्या होगा अदिश, तो मान सिंपल सा एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ कि भाई मान लीजिए मैंने एक वेक्टर ले लिया एक्स आई केप वाई जे केप जेड के कैप। कंपोनेंट घटक क्या होते हैं, यानी अलग अलग पार्ट बताना। सिंपल सी बात आप ये समझ लीजिए, कोई भी अगर वेक्टर है आपके पास, उसके कंपोनेंट का मतलब क्या होगा, उसको अलग अलग पार्ट में लिखना। तो जैसे इसके मैं पार्ट अगर लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, एक्स आई केप एक पार्ट ये हो गया, वाई जे केप और जेड के केप, ये इन तीन पार्ट से ही मिलकर बना या नहीं बना। अब आप कहोगे सर ये वेक्टर कंपोनेंट कैसे है, सदिश घटक कैसे हैं, तो आप इनको एक बार थोड़ा ध्यान से देखो, आपको पता चल जाएगा। तो पीछे वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि खाली ओनली जो टू है वो कोई भी आप खुद की एग्जैक्ट पोजिशन को नहीं डिफाइन करता। इसकी एग्जैक्ट पोजीशन कब पता चलेगी, जब इसके साथ मैं आई कैप लगा दूं। तो अब आपको पता है ये एक्स एक्सिस पे आ गया, जे लगाते ये हो गया वाई एक्सिस पे और के लगाते ये हो गया जेड एक्सिस पे, ठीक है। तो वेक्टर कंपोनेंट मतलब अलग अलग डायरेक्शन में आप कहाँ कहाँ गए हो। एक्स आई कैप आपको ये बताएगा कि आप एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कहाँ गए हो। वाई जे कैप आपको ये बताएगा कि आप वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, जैसे मान लो एक्स इस साइड है तो कितना कहाँ हो, ऐसे कहाँ गए हो और ऐसे कहाँ हो, तो एक एक चीज। और जो स्केलर कंपोनेंट है अदिश घटक वो डायरेक्टली एक्स वाई जेड, यानी सिर्फ अगर आप एक्स लिखते हो वाई लिखते हो जेड लिखते हो तो आपको ये पता भी आप कहाँ कितने कितने डिस्टेंस पे गए हो, लेकिन डायरेक्शन नहीं पता, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ से ये बोलूँ कि भाई मैं 10 फिट दूर चल के गया हूँ या 10 मीटर दूर चल के गया हूँ, लेकिन मेरे चार और तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, कहाँ गए हूँ, लेफ्ट साइड में गए हूँ, राइट गए हूँ, सामने आए हूँ या इधर गए हूँ, किधर गए हूँ, वो नहीं पता। लेकिन अगर आपको डायरेक्शन बता दी जाए भाई इस साइड में टू, भाई जैसे फॉर एग्जांपल आपको भाई मैं यहाँ खड़ा हूँ, मान लीजिए मेरे इस साइड कोई जगह नहीं है, सिर्फ इस साइड जा सकता हूँ सीधा और ये, तो अब भाई आपको ये बता दें कि मैं इस साइड 3 फीट गए हूँ और ऐसे 4 फीट की दूरी पे गए हूँ, तो आपको मेरी एग्जैक्ट पोजीशन पता चल जाएगी, ठीक है। आपको भी डायरेक्शन बता दी जाए, भी जैसे मान लो ये मेरा राइट हैंड है तो मैं बोल दूँ राइट साइड में तो मैं गया हूँ 3 फीट की दूरी पर और सामने की ओर 4 फीट, तो इस साइड 3 इस साइड 4 आप कंपेयर कर लोगे। लेकिन सिर्फ इतना बता दिया मैंने एक बार 3 और 4 की दूरी पर गया हूँ तो आपको एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता चलेगी, ठीक है। तो बच्चों बस यही होते हैं वेक्टर और स्केलर कंपोनेंट, कि हम एक एक पार्ट के अंदर बताना भी कौन सी डिस्टेंस कितनी कितनी है। वेक्टर अलग अलग नहीं पता चलता, इसमें अलग अलग आप बता रहे हो। तो वेक्टर कंपोनेंट अगर आप मान लो सीधा एक्स वाई जेड लिखते हो तो वो स्केलर कंपोनेंट यानी अदिश घटक है, और आई जे के लगा देते हो तो वो हो जाता है आपका वेक्टर कंपोनेंट यानी सदिश घटक। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया आपका एडिशन ऑफ वेक्टर और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करेंगे आपका सब्सट्रैक्शन यानी दो सदिशों का घटाना, एक सदिश का अदिश से गुणा, और आपके जो सेक्शन फॉर्मूलाज हैं या वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट है उन सब बेसिक नॉलेज को। तो बच्चों आप इस टॉपिक को जितना ज़्यादा हो सकता है स्ट्रॉन्ग बनाइए, एक एक कंसेप्ट को इसको समझिए, क्योंकि बच्चों अगर ये कंसेप्ट समझ आ गया तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन में कोई टफ नहीं है। वेक्टर का एडिशन करना कैसे अगर वो समझ आ गया तो कोई भी वेक्टर आप आसानी से एडिशन भी कर सकते हो, उनका आइडेंटिटी यानी तत्समक भी ज्ञात कर सकते हो। कंपोनेंट लिखने का मतलब समझ आ गया, जैसे अब मान लीजिए कोई वेक्टर दे दिया मैंने ए वेक्टर 2i + 3j + 5k, अब आपको एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन दे दिया जाए कि इसके जो वेक्टर कंपोनेंट है यानी जो सदिश घटक और स्केलर कंपोनेंट है वो लिखो, आपको लिखने का तरीका पता है तो आप सीधा लिख दोगे 2i 3j 5j, और यहाँ पे क्या लिख दोगे 2 3 5, दैट्स वन बस, और क्या। प्रोसेस बच्चों सिंपल है, सिर्फ आपका बेसिक कंसेप्ट मजबूत रखना है, एक एक बात को समझनी है और जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है बच्चों। इतना तैयार कीजिए, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।